नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। इन लास्ट क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। नाउ वी विल सी हाउ एसिड्स एंड बेसेस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, हाउ दे कैन बी डिटेक्टेड वेदर दे आर एसिड्स और बेसेस। So it is done by using indicators. What does it mean by indicators? So indicators, those chemical substance which impart कैरेक्टरिस्टिक कलर कैरेक्टरिस्टिक कलर इन एसिड्स एंड बेसेस और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। आर टर्म्ड एज इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स वे होते हैं जो एसिड्स और बेस में अलग अलग कलर देते हैं या अलग अलग ऑर्डर स्मेल देते हैं। सो दे हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। दे हेल्प अस टू Differentiate between acids and bases। ये हमको differentiate करने में मदद करते हैं। Now indicators are of two types। So indicator दो तरीके के होते हैं। One is कलर इंडिकेटर एंड अदर इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। सो वन इज कलर इंडिकेटर एंड अदर इज ऑल फैक्ट्री, मीन्स जो स्मेल अलग अलग दें। बिकॉज वी आर हैविंग ऑल फैक्ट्री नर्व्स विच गिव अस द कैपेसिटी टू स्मेल समथिंग। तो हमारे नॉस्ट्रिल्स में ऑल फैक्ट्री नर्व्स हैं जो स्मेल को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदलती हैं और उससे ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है ये किस चीज़ की स्मेल है। सो उन्हीं के नाम पर, ऑल फैक्ट्री नर्व्स के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सो व्हाट डज इट मीन बाय कलर इंडिकेटर्स? नाउ कलर इंडिकेटर, कलर इंडिकेटर्स आर दोस विच गिव डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक कलर्स इन एसिड्स एंड बेसिस। सो कलर इंडिकेटर्स आर दोस विच गिव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक कलर, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर। वो अलग अलग तरीके के कलर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कलर एट वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच आयन्स। अलग अलग अगर हम एच प्लस की कंसंट्रेशन कम करें, ज़्यादा करें, बहुत सारे एच प्लस आयन्स हो, थोड़े एच प्लस आयन्स हो, तो भी वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं कि दो ही कलर देते हो, दे गिव ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स अलग अलग तरीके से। सो दे गिव करेक्टरिस्टिक कलर इन एसिड्स एंड बेसेस इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। अगर हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाते जाएं और पानी मिलाते जाएं,
तो वो एसिडिक सोल्यूशन ही रहेगा। जैसे नींबू पानी में हम और पानी मिलाते जाएंगे तो जो इंडिकेटर है वो अपना कलर भी चेंज करता जाएगा। सो दे गिव वैरायटी ऑफ कलर्स, एक दो नहीं स्पेक्ट्रम, पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। एट वेरियस कंसंट्रेशन, वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, या वेरियस कंसंट्रेशन किस चीज की कंसंट्रेशन, वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एंड ओ एच आयन, एच प्लस या ओ एच आयन, उसकी जो अलग अलग कंसंट्रेशन होगी तो उस पर ये अलग अलग कलर देंगे। अब देखते हैं कि कलर इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे लिटमस पेपर, इसका एग्जाम्पल है लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन इज अनदर इंडिकेटर, टर्मरिक। इसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइलीन ब्लू, ये सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो ये अलग अलग दे सकते हैं। सम आर ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नेचुरल हैं। जैसे लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस पेपर नेचुरल है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, फिनॉफ्थलीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये सब सिंथेटिक हैं, ये लैब में बनाए जाते हैं। तो इसके अलावा रेड कैबेज और चाइना रोज, तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज, दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स एंड अदर्स आर सिंथेटिक कलर इंडिकेटर्स। इन दीज लिटमस पेपर, टर्मरिक हल्दी, रेड कैबेज एंड चाइना रोज आर नेचुरल कलर इंडिकेटर, या सिर्फ आप नेचुरल लिख लें, नेचुरल इंडिकेटर्स। वाइल जो लैब में बनाए जाते हैं, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइलीन ब्लू, एंड फिनोफ्थलीन, आर सिंथेटिक इंडिकेटर, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। सो ये लैब में बनाए जाते हैं और कुछ चीजें वैसी पाई जाती हैं, जैसे कि लिटमस पेपर आप देखिए। सो दिस इज लिटमस पेपर, तो ये प्लांट्स प्रोडक्ट है और ये ट्रीज में पाया जाता है। ट्री में ये लाइकेन है जो फंगी और एल्गी आपस में मिलकर जो बार्क ऑफ ट्री है उसमें इस पर्पल कलर का लिटमस होता है, तो वो चीज आ जाती है। सो लाइकेन इज फॉर्मिंग द लिटमस पेपर, सो इसका पर्पल कलर होता है। नाउ लिटमस पेपर
क्या करता है। सो लिटमस पेपर अलग अलग, इसका नेचुरल कलर भी है। सो लिटमस पेपर, इसका नेचुरल कलर क्या है? पर्पल। इस इन एसिड ये कौन सा कलर देता है? अगर एसिड में डाल दो, नींबू में डाल दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो ये रेड कलर देता है। इन बेस, अगर बेस में डाल देंगे तो ये कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। वैसे इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है, वाटर में ये कोई कलर चेंज नहीं देगा। इसी तरीके से टर्मरिक है, तो टर्मरिक को नेचुरल कलर तो येलो है, लेकिन अगर उसमें आप साबुन पानी डाल दीजिएगा तो वो रेड हो जाएगी। और अगर नींबू डाल देंगे तो सब्जी में तो टर्मरिक पड़ती ही है, तो उसमें नींबू भी पड़ता है, तो हल्दी येलो की येलो ही रहती है। तो इसलिए एसिड में इसका कोई चेंज नहीं होता है कलर का। तो टर्मरिक इज आल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। इसी तरीके से रेड कैबेज, सो रेड कैबेज भी एक इंडिकेटर है। तो ये किस तरीके का इंडिकेशन देगी? वैसे तो ये पर्पल या रेड पर्पल कलर की होती है, रेड पर्पल कलर की होती है। और एसिड एंड बेस में ये क्या कलर देती है? लेट अस सी। नाउ लेट अस सी द टेस्टिंग विद लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एसिड एंड बेसिस में कैसा कलर देता है? विनेगर इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। सो विनेगर है, ये नूडल्स में भी पड़ता है, और इस विनेगर को लिया गया है एंड द लिटमस पेपर इज टेकन। सो इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। सो एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। कॉफी इज एसिडिक इन नेचर। सो पुट सम वॉटर इन इट एंड टेस्ट विथ ब्लू लिटमस। It is again converted into red. So acids convert blue litmus into red. This is soap. Soap is basic in nature. So they convert रेड लिटमस इंटू ब्लू। हम इसको देखेंगे कि रेड लिटमस को ब्लू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सोप इज बेसिक, सो दे कन्वर्ट्स रेड लिटमस इंटू ब्लू, जैसे यहां हुआ तो ये बेस हो गया। So in this way we can see the various things ki now it is lemon. Lemon is acidic. So acid mein it has been shown how litmus paper changes its color. Now we will see litmus paper how it gives color in dilute hydrochloric acid and how it gives color in NH4OH, that is ammonium hydroxide solution, NH4OH and hydrochloric acid. So both are colorless. और हम ये देखेंगे कि litmus paper में ये कैसे अपना color change, litmus paper कैसे अपना color change करता है and indicates which is basic and which is acidic. तो ये दिखाया गया है। Now litmus paper दो तरीके के होते हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है।
ये देखिए, सो लिटमस पेपर एक रेड लिटमस पेपर होगा और एक ब्लू लिटमस पेपर होगा। दे आर वेरी चीपर एंड अवेलेबल इन मार्केट एंड स्टेशनरी शॉप। तो इसको हम देख सकते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर आप लीजिए, इसकी स्ट्रिप लीजिए और एसिड में डालिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में। वी शुड ऑलवेज हैंडल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी डेंजरस। सो इसमें थोड़ा सा अवर स्टमक ऑल्सो हैज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो इफ वी पुट अ सॉल्यूशन देन यू आर सीइंग हाउ इट इज चेंजेस द लिटमस पेपर इंटू रेड। तो एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इंटू रेड, यहाँ पर हमने देखा। अब जरा देखिए, इसमें एक एक रेड लिटमस पेपर लीजिए और NH4OH डालिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सो इट इज वाटर में इसका कोई चेंज इन कलर नहीं है, तो वाटर में कोई चेंज नहीं है। अब हम लेंगे लिटमस पेपर हैज नो चेंज इन कलर इन वाटर, हाउएवर इन केस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ड्रॉप्ड ऑन इट देन इट कन्वर्ट्स ब्लू। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो उससे इसका कलर ब्लू हो गया है। सो वी हैव सीन कि किस तरीके से बेस और एसिड में ये अपना कलर चेंज करते हैं, बेस में ब्लू हो जाता है ये ध्यान रखिए और एसिड में रेड। नाउ सी दिस इज फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन व्हिच इज लुकिंग कलरलेस एंड वी आर ऑल्सो सीइंग दैट इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो बोथ हैज बीन टेकन ओवर हियर एंड वी विल सी हाउ फिनोफ्थलीन changes its color, give different color in acids and bases. Yeah, I put them on a white tile here so you can see the colors really clearly. Phenolphthalein is an absolutely lovely. So in base it gives pink color. You can see that fantastic pink color there in alkali, and when I pop it into acid you'll see that it stays. However we see that in acid it does not change its color. So base mein iska color pink ho jata hai, yahan hum dekh rahe hain. This is phenolphthalein. Here it is shown that the basic and acidic solution, this is base, इसमें भी phenolphthalein है, इसमें भी phenolphthalein है, but phenolphthalein is not showing any change in color, it is colorless, और ये hydrochloric acid है वो भी colorless है। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे इसमें बेस डालता जाऊंगा, कुछ भी डालिए, NaOH डाल दीजिए, तो धीरे धीरे एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और अगर आप एक्सेस NaOH डाल देंगे तो ये सोल्यूशन बेसिक बन जाएगा। मान लीजिए एसिड और बेस इक्वल हों तो वो बिल्कुल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जैसे NaOH और HCl मिलकर वाटर और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाते हैं, तो वाटर भी न्यूट्रल है और सोडियम क्लोराइड भी हम लोग खाते हैं नमक, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा NaOH डाल देंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि फिनोफ्थलीन इसमें से पहले से ही प्रेजेंट है, तो फिनोफ्थलीन प्रेजेंट है और ज़्यादा NaOH डालते जाएंगे तो कभी न कभी ये भी किस कलर का हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इंटू पिंक। इसको कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब इस एसिड में कितना बेस मिलाया जाए कि ये न्यूट्रल हो जाए, यही चीज़ यहाँ दिखाई जा रही है। तो आप देखिए, a base solution to show you how a थोड़ा सा बेस डाला है, adding a base, you'll see right away the very तो शुरू में वहां कलर है, लेकिन आप इसे स्टिर करेंगे तो एसिड इज डोमिनेटिंग, एसिड इज मोर, H+ आयन इज मोर, नाउ अगेन एसिड इज मोर, न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। नाउ